पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस अधीक्षक LR कुमार के निर्देशन पर प्रभारी निरीक्षक थाना रामकोट व खैराबाद पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब को बरामद करने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि सहारनपुर व अन्य जगहों पर हुए विषाक्त कांड के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 280 लीटर अवैध शराब तथा आधा किलोग्राम नौसादर एवं तस्करी में प्रयुक्त साइलो कार को भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक LR कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के रामकोट थाना इलाके में शाहजहांपुर सीतापुर मार्ग पर नहरी बाजार पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान महिंद्रा जाइलो कार आती हुई दिखाई दी। संदेह होने पर उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से अवैध शराब बरामद हुई है, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक थाना रामकोट द्वारा आबकारी निरीक्षक को जरिए दूरभाष सूचित कर आबकारी टीम को ले साथ लेकर पुनः चेकिंग व तलाशी अभियान जारी रखा गया है। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जनपद सीतापुर में थाना रामकोट खैराबाद और CO क्राइम की टीम अभियान पर लगे हुए थे। वैसे भी जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चालू था, तो उस पर क्राइम वर्क पे ये कितना भी अवैध शराब में मिलावट वाली चीज़ है, 95% स्प्रिट का वॉल्यूम का 280 लीटर इन्होंने बरामद किया है। इसके अलावा उससे कुछ मिलावट करने वाला फर्मेंटेड कुछ केमिकल्स है, वो भी इन्होंने बरामद किया है। ये लोग जैलो गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। इसमें तीन लोग गिरफ्तार थे, मूल निवासी मुजफ्फरनगर का है, यहाँ भी सप्लाई पहले भी किए हैं, मुल्ला है इनके नाम। इसके अलावा और एक और अभियुक्त है, और इसके पहले 2015 से लेकर 2018 तक इनके लखीमपुर खीरी में भी इनके खिलाफ 66 एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। इसके जांच प्रथम दृष्टया से एक्साइज विभाग के माध्यम से किया भी गया है। तो इसमें अभी अभियुक्त में हम लोगों ने 60 का एक्साइज एक्ट भी जोड़ा गया है। इसमें उम्र कैद की सजा इसमें लागू रहेगा, तो इन्वेस्टिगेशन के आगे इसमें देखा जाएगा। सर कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, क्या ये लोग? सीतापुर में भी सप्लाई कर रहे हैं 2015 से, इसके अलावा लखीमपुर में भी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इनको अभी रिमांड में भेजा जा रहा है, इसके बाद इनको पुलिस कस्टडी देकर आगे ही कार्रवाई।